अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफक्किर मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में चलने वाला खतीब आज़म फाउंडेशन के जानिब से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खतना कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट ये रखा गया था। खतीब आज़म फाउंडेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स शोबाजात के ज़रिए अपनी दीनी और फलाही कामों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, इसी तरह इसके मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से आज द राइजिंग स्टार्स प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि खतीब आज़म फाउंडेशन के अंडर में ही चल रहा है, इस स्कूल में ये फ्री खतना कैंप रखा गया था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम यूं ही दीनी और फलाही काम करते रहेंगे। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना तआवुन करें, वक्ती तआवुन करें, माली तआवुन करें, ताकि हम यूं ही दीनी और फलाही काम करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हज़रत मुफक्किर मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ज़ेर एहतमाम चलने वाला हमारा बेलगाम का वाहिद इदारा खतीब आज़म फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत ही नायाब कदम यहाँ पर उठाया गया है, जो जिसको हम सुन्नत इब्राहिमी से नाम दे सकते हैं। तो माशाल्लाह 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं यहाँ पर आज यहाँ इस सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ शरीक हैं, और इसके लिए स्पेशल जो है डॉक्टर जावेद जगदाले साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर अपने काम में मशगूल हैं। और मैं समझता हूँ ये मखदूम असद डांगी समदानी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान करम है, और उसके रूह रवा हजरत सैयद मोहम्मद राशिद मक्की अशरफ मियाँ साहब की दुआएं हैं कि ये हमारा जो इदारा है और उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी और तमाम जो है यहाँ के मेम्बरान इसके लिए कोशा हैं, और ये चाहते हैं कि भाई इससे आप यहाँ के रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, अपने बच्चों का इससे फायदा उठाएं। और हर बार जो है इनका हर इसके लिए जो है स्कूल का इदारा भी चलता है, मेडिकल है यहाँ पर, और बहुत सारे जो है फ्री सहूलियात यहाँ पर चलती है। तो आज के दिन एक नुमाया है कि भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे सुन्नत इब्राहिमी के लिए दाखिल हैं। तो मैं इस इदारे की जानिब से और आप आए हुए तमाम हजरात के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है यहाँ पर शिरकत करके जो है हमारे इस खतीब आज़म फाउंडेशन के नाम को रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम।